जनपद संभल के चंदौसी में पीड़ित ने लगाया रिटायर्ड जेई मोहम्मद सुबहान पर पैसे देकर फर्जी पीटी की रिपोर्ट बनाकर देने का आरोप। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। जानकारी के अनुसार हाजी गुलाम मोहम्मद पुत्र हाजी अली मोहम्मद निवासी खूबचंद्र बाजार चंदौसी ने रिटायर्ड जेई मोहम्मद सुबहान पर 1,15,000 रुपये लेकर फर्जी पीटी बिजली की रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। जब पीड़ित ने बिजली विभाग में जाकर जानकारी ली तो कर्मचारियों ने बताया कि सन 2013 से अब तक कोई बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है, कृपया आप अपना बिजली का बिल जल्द से जल्द जमा कराएं। यह सुनकर पीड़ित दंग रह गया। पीड़ित ने जब लगातार रिटायर्ड जेई सुबहान से कहा तो जेई साहब ने फर्जी पीडी रिपोर्ट तैयार कराकर हाथ में थमा दी। रिटायर्ड जेई व पीड़ित का फोन पर बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित ने बिजली विभाग के XCN को पूरे मामले की जानकारी देकर बिजली विभाग के नाम को बदनाम कर फर्जी पीडी देकर रुपए की ठगी करने के मामले में कार्यवाही कराने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। सर, अभी आपको एक शिकायती पत्र दिया है, ये हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने, इनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, रिटायर्ड कोई जेई है, उन्होंने किया है, क्या मामला है? इन्होंने कहा कि 3-4 साल पहले इनसे किसी सेवानिवृत्त जेई सुभान अहमद ने 1,15,000 रुपये ले लिए हैं। इनके पड़ोसी थे वो, किसी पीढ़ी के नाम पे। तो शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी मैंने SDO फर्स्ट को आदेश कर दिए हैं कि विभाग की छवि धूमिल करने वाले और विभाग के नाम पर जनता को धोखा देने वाले जो ये व्यक्ति है सुभान अहमद, इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करी जाए।